हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? आह हिमालय की प्रकृति ये कितनी मनमोहक है, हम जैसों के मुंह से तो आह भी ऐसे निकले जैसे पेट में दर्द हो गया हो। आह 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 ये वाला आह है, ये वाला नहीं है, आह आह ये वाला नहीं है, ये दूसरा आह है, ये मरोड़ वाला आह है। मेरे साथ कल एक गड़बड़ हो गई, कल एक मीटिंग में था मैं, वहां कई सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, जूम पे मीटिंग चल रही थी, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मैंने बोला जैसे तुम किसी चीज के लिए 100% यकीन रखते हो ना, तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है बुलिश, और जैसे हिंदी में कहते क्या बकवास कर रहा है ये, इसके लिए शब्द होता अंग्रेजी में बुलशिट। तो अब मुझे मन में कहना था, मतलब मुझे कहना था कि हाँ जी मैं करके दिखा दूंगा, आई एम बुलिश, मैंने बोला अंग्रेजी में, मैं थोड़ा अपने आपको ज्यादा वो दिखाना चाहता था, मतलब टुमारो वाला, मतलब आज का भी नहीं मैं कल का बंदा दिखाना चाहता था, सुपर सुपर मॉडर्न आधुनिक अत्याधुनिक। मैंने कहा जी मुझे कहना था आई एम बुलिश, मैंने कहा जी आई एम बुलशिट, और मुझे 2-3-5 सेकंड बाद याद आई बुलशिट माने तो बकवास होता है, मैंने खुद ही कह दी, लेकिन वो भी नहीं हंसे, समझ तो नहीं आ गया होगा, मन मन में बहुत हंसे होंगे वीडियो कॉल के बाद में, मुझे बड़ा बुरा लगा, फिर मैंने अपने आपको वीडियो से हटा लिया, ऑडियो पे आ गया मैं, और मैंने म्यूट करके बहुत देर तक बहुत गुस्सा सा किया खुद में, फिर गूगल किया कहीं सही गलत तो ना हो गया, बेड़ा गर्क अंग्रेजी का। आह हमसे तो आह भी ना निकलती ढंग से। आह 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 हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, जब तक फीलिंग से नहीं आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। तो समझिए मेरी बात, जो वाक्य होते हैं इनकी रचना